हेलो सो इन दिस वीडियो वी विल सी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ए ओ स्टार एल्गोरिदम या जिसको बोला जाता है जनरली एंड और ग्राफ्स सो ए ओ से मतलब क्या है एंड और ग्राफ्स सो दे आर यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम सॉल्यूशन दैट कैन बी सॉल्व बाय डी कम्पोजिंग इंपोर्टेंट इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजिंग दैम इन टू स्मॉलर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल ऑफ विच मस्ट बी सॉल्व ठीक है सो so, ये जो डिकम्पोजिशन है ये किस तरह से होता है सो so, इस डिकम्पोजिशन को करने के लिए हम एंड आर्क्स का यूज़ करते हैं एंड दे मे पॉइंट टू एन नंबर ऑफ सक्सेसर नोड्स कि आगे एन नंबर ऑफ सक्सेसर नोड्स को ये पॉइंट कर सकती हैं बट दिस इज़ एन एल्गो विच इज़ लाइक बेस्ट फिट सर्च एंड कैन बी यूज दैट हैज़ द एबिलिटी टू हैंडल द एंड आर्क्स अब ये एंड आर्क्स हैं क्या सो देखो सिंपल सा अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं वी कैन टेक टू और थ्री डिफरेंट एग्जाम्पल्स सपोज द गोल इज़ टू हैव अ मोबाइल कि कोई एक यूज़र है उसको मोबाइल चाहिए अब इस मोबाइल को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं एक है कि कोई उसको गिफ्ट कर दिए मोबाइल इस मोबाइल को गिफ्ट कर दिया किसी ने एक हो सकता है कि इसने वर्क uh, किया वर्क हार्ड काम करा बहुत मेहनत करी पैसे कमाए और उसके बाद जाके वो उसने मोबाइल परचेज किया ठीक है सो इस तरीके से हो सकता है अब इसमें देखो आपको एंड आर्क क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ तो ये वाला जो है परचेज मोबाइल ये किससे रिलेटेड है वर्क हार्ड से तो इसको हम एक इस तरह से जोड़ देंगे और इसको बोलते हैं एंड आर्क मतलब कि इसको करने के लिए इसका होना जरूरी है हमेशा ये याद रखना कि जो राइट right साइड वाला है उसको करने के लिए लेफ्ट साइड वाले का होना जरूरी है इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग दैट मीन्स अ पर्सन हैज़ टू वर्क हार्ड टू परचेज दी मोबाइल सो इस तरह से आप दिखा सकते हो इस तरह से ठीक है so, सो अब इसमें एंड और ग्राफ किस तरह से बना तो ये जो जिसमें आप एंड आर्क वाला पार्ट लेते हो इसको हम बोलते हैं एंड या तो ये एंड या फिर ये वाला और सो दिस इज एंड एंड दिस इज और सो so ये होता है एंड और ग्राफ सो इन एंड और ग्राफ और ए ओ स्टार एलगोरिदम देर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेश होल्ड सो जनरली हम उस थ्रेशोल्ड को बोलते हैं फ्यूटिलिटी सो फिटिलिटी क्या है इट इज शुड बी चूजन एज should be chosen to correspond to a threshold value, ठीक है और अगर कभी भी एस्टिमेटेड कॉस्ट इस फ्यूटिलिटी से ज्यादा होती है तो हम अपना जो सर्च है उसको अबेंडन कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं सो स्टॉप सर्च ठीक है सो अब देखते हैं बेसिकली जो एंड और ग्राफ है उसका एक एग्जांपल देखते हैं अब इतना तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्या करा प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया और हर प्रॉब्लम को अब हम इंडिविजुअली सॉल्व कर रहे हैं सो so, जिस का कम आएगा देखो अगर एंड वाले पार्ट का कम आया आपका ओवरऑल कॉस्ट तो आप इसको चूज करोगे अगर इसका कम आया तो हम इसको चूज करेंगे सिंपल ये होता है इसके अंदर सो so, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं अभी सो अस से एक नोड है एक्स यहाँ से मेरे पास एक नोड है वाई देन वी हैव जेड एंड दिस यू नोड, ठीक है और इनकी मुझे ह्यूरिस्टिक वैल्यूज गिवन है यहाँ पे सो दिस इज फाइव दिस इज़ लेटेस्ट से थ्री एंड दिस इज लेटेस्ट से फोर और सबका जो कॉस्टिंग गिवन है वो वन गिवन है और जो एंड और ग्राफ गिवन है वो ये वाला गिवन है एंड आर्क हमें इनके बीच में दी हुई है सो so, इसका मतलब क्या है कि z और फिर u तो देखो इसमें बनता कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कॉस्टिंग कैसे आप निकालोगे so, सो एक्स y यानी कि अगर मैं बात करता हूँ किसकी और वाले पार्ट की तो आप इस तरह से इसको हमेशा बाइफर्केट कर सकते हो दिस इज़ और एंड दिस इज एंड पार्ट तो अगर अब हम और वाले पार्ट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना है एक्स से वाई सो so, एक्स से वाई कितना हुआ सिंपल अगर मैं इसमें हिरिस्टिक भी ले लूँ इसके आगे जाने के लिए सो इट इज़ वन प्लस फाइव दैट इज़ सिक्स ठीक है अब देखते हैं इसमें कितना आएगी अगर मैं आगे इसको चूज करना चाहता हूँ अब इसमें देखो हमेशा इसको ये ध्यान रखना है कि आपको जब नोट आप चूज करोगे तो अगर आप इसको भी ले रहे हो तो आपको पूरे की लेनी पड़ेगी सिर्फ Z तक की नहीं क्योंकि Z के साथ U भी होगा ये ध्यान रखना सो so अगर मैं Z की भी निकालता हूँ यहाँ पे या फिर आप कह लो मैं U की भी निकालूंगा तब भी आपको दोनों का ही लेना है सो so देखो आप इसकी निकालते हैं यहाँ पे इस वाले की तो होगा कैसे X से Z जाएगा पहले ठीक है फिर Z से दोबारा यहाँ पे आएगा देन ठीक है सो इसका कितना आ जाएगा वन प्लस थ्री वन प्लस थ्री फिर एक्स दोबारा यू पे आया प्लस वन प्लस फोर तो कितना हो गया ये सो इट बिकम्स नाइन सो क्लियरली है जिसकी कम होगी हम उसको चूज करेंगे सो वी विल चूज दिस वन ठीक है लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल सो एक और एग्जांपल देखते हैं हम सो लेटेस्ट से इस तरह से हमें कुछ ग्राफ गिवन है ए देन बी देन ई और यहाँ पे एफ ए से है एक सी सी से वी हैव दिस जी सी से ही है एक एच देन ए से एक है डी डी से है आई एंड डी से ही है जे सो so, अब इन सब की मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ सबके जो कॉस्ट गिवन है वो वन है लेटेस्ट से ठीक है और जो इनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ हैं वो गिवन है हमें सो इफ दिस इज़ फाइव टेन थ्री फोर फिफ्टीन एंड दिस इट इज टेन ठीक है सो अब जो ए, इसमें एंड और ग्राफ हैं कि कौन कौन से एंड वाले हैं वो मतलब बता देता हूँ दिस इज एंड दिस इज एंड दिस इज एंड दिस सो सिंपल सा मुझे अगर मैं टॉप पे देखूँ अगर आप रूट को देखोगे तो आपको दो बाइफर्केट हो जाएगा या तो ये या फिर पूरा ये वाला सो so, इस तरह से हम इसको बाइफर्केट अगर कर दें तो दिस इज और एंड दिस इज एंड अब इसी और के अंदर ठीक है सो अब सी की देखो सी की निकालने के लिए मेरे को सिंपल इसके दोनों के नीचे को देखना है सो so, सी की कैसे आएगी वन प्लस थ्री इसके वाले की निकाल रहा हूँ वन प्लस थ्री फोर प्लस फाइव नाइन ऐसी इसकी देखो सिक्सटीन प्लस इलेवन ट्वेंटी सेवन अब यहाँ से देखो ऊपर सो वन प्लस नाइन टेन टेन प्लस ट्वेंटी एट थर्टी एट आ गई यानी एक पर जो आई है कॉस्ट वो आई है थर्टी एट ओवरऑल अगर मैं सारी नोट्स को इटरेट कर रहा हूँ इसकी देखो वन प्लस फाइव सिक्स सिक्स प्लस इलेवन दैट इज सेवनटीन और सेवनटीन प्लस वन एटीन सो सिंपल सी बात है कौन सा छोटा है और वाला पार्ट सो द दैट विल बी चूजन इज ए टू बी टू ई एंड दिस एफ सो दिस विल बी सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर ए स्टार क्वेश्चन सो so, इस तरह से आप ए ओ स्टार क्वेश्चन को कर सकते हो सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू